पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अब बात पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले, चलकर उसे हम ढूंढ ले। पिछली बार की परिक्रमा में मैंने हिमाचल प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों को जाना। राज्य में संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता का दौर अब पूरा हो चुका है और सतत शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। गांवों में जन चेतना केंद्र खुल गए हैं, जहां एक तरफ पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विषयों पर चर्चा आदि भी चलाई जाती है। राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम से सामाजिक बुराई जैसे नशा और बाल विवाह आदि के खिलाफ भी जनमानस को तैयार किया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्व सहायता समूह भी बनाने की पहल हुई है। कई जिलों में महिलाओं की साक्षरता काफी आगे है, लेकिन कुछ इलाके अब भी पीछे रह गए हैं। किनारों की तलाश में बार बार टूटती बनती सागर की लहरें जैसे अविरल लगातार प्रयास के लिए प्रेरणा दे रही हैं। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है और इसकी राजधानी चेन्नई प्राचीन काल से ही देश के इस इलाके का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र रही है। चेन्नई तो एक तरह से दक्षिण भारत के विकास और पहचान का आईना रहा है। यहाँ एक से एक विद्वान हुए, अन्नादुरई जिन्हें आधुनिक तमिलनाडु का अधिष्ठाता कहा जाता है, महाकवि काम्बेर और इलांगो एडिगल जैसे महान विद्वानों की भूमि है तमिलनाडु। शायद यहां मेरी खोज पूरी हो जाए। चेन्नई के बारे में मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत के इस चौथे बड़े महानगर में ब्रिटिश शासकों का काफी प्रभाव था। समुद्री व्यापार के कारण भी शायद इस शहर की खास अहमियत रही होगी। तब से अब तक के सफर में चेन्नई काफी आगे बढ़ा हुआ लगता है, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा। हो सकता है यहाँ ऐसे ही पीछे छूट गए लोगों को जोड़ने का काम भी हो रहा हो। कोई फूल छूट जाए तो माला अधूरी ही तो रहेगी। ये तो चेन्नई महानगर के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन इनके हाथों में झाड़ू की जगह किताबें हैं। लगता है शहर को सुंदर रखने वाले ये लोग छूट गए लोगों में से हैं और अब इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। इस उम्र में अगर ये लोग अक्षरों और शब्दों से रूबरू हो रहे हैं और उन्हें आत्मसात कर रहे हैं तो मेरे गांव के लिए तो ये प्रेरणा की बात है। मुझे इन लोगों से बात करके और भी कुछ जानने को मिल सकता है। मैंने अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना शुरू कर दिया है। इससे मैं अपना हिसाब किताब जोड़ घटाव सब कर लेती हूँ। हमारा खाता बैंक में है।
नौकरी से जो वेतन मिलता है उसे अपना हस्ताक्षर करके निकालते हैं हम। मुझे अब बैंक के काम में कोई परेशानी नहीं होती, सारा हिसाब किताब अपने आप ही करते हैं। मैं खुद पहले निरक्षर था, साक्षरता में पढ़ने के बाद अब मैं कार्यकर्ता बनकर अपने साथ काम करने वाले निरक्षर कामगारों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने 27 लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, वे सब अब अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी हमारे कॉरपोरेशन के कर्मचारियों में कोई भी अंगूठा नहीं लगाता। हमारे इलाके में 114 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें 110 पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। आजकल वे लोग उपस्थिति बही में अपना हस्ताक्षर करके ही काम शुरू करते हैं। इससे वे लोग अब अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार करने से लेकर अपने छुट्टी के आवेदन भरने या अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। बैंक से पैसा निकालने के लिए भी अब ये लोग लिखित रूप से देते हैं। पहले जब निरक्षर थे तो इनसे काम करवाने में बहुत मुश्किल होती थी, अब जब पढ़ लिए तो उन्हें हमारी बात तो समझ में आती ही है और उन्हें खुद अपने आप पर भी गर्व होता है। अच्छा, तो यहाँ लोगों को उनके काम करने की जगह पर ही पढ़ाने की व्यवस्था है। छूट गए लोगों के लिए ऐसे प्रयास जरूरी लगते हैं। महानगरों में तो ये खास समस्या है। लोग दूर दराज गांवों से यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक समय मेहनत मजदूरी कमाने में लगाएं। इन्हें जोड़ पाना अपने आप में मुश्किल काम होता है। और ये भी उतना ही सच है कि निरक्षर होने के कारण ये लोग अपनी मेहनत के मामले में भी ठगे जाते हैं। इन्हें जानकारी भी तो नहीं हो पाती है कि इनके लिए भी कई तरह की सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे मजदूरी की दर, बैंक आदि से ऋण की सुविधा, जिससे ये लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। देखिए, हमारे पास 25 लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें से 20 तो अच्छी तरह से सीखकर आगे बढ़ गए हैं और जो बाकी 5 हैं वो इसलिए नहीं पढ़ पाए कि वो काम में लगे रहे और वो आगे नहीं बढ़ पाए। 20 जो आगे बढ़े हैं उन्होंने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो लोग अपने घर चिट्ठी लिखते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, परिवार का हालचाल पूछते हैं, और ये रिक्शा चलाने वाले जब साक्षर हो गए तो ऋण के लिए खुद ही आवेदन तैयार किया और उसके लिए सारा काम खुद ही किया जब तक कि ऋण नहीं मिला। देश के साक्षरता मानचित्र पर तमिलनाडु का स्थान 13वां है। '91 में साक्षरता दर 62% से थोड़ी अधिक थी, 2001 में 73% हो गई, 10 वर्षों में करीब 10% बढ़ी। पुरुषों की साक्षरता दर तो फिर भी ठीक लगती है, 100 में 82। पर महिलाएं इस तुलना में कम साक्षर हैं, 64% से थोड़ी अधिक। महाबलीपुरम के इस प्राचीन मंदिर को देखकर लगता है दक्षिण भारत का ये राज्य पहले से ही आगे बढ़ा हुआ था, क्योंकि ऐसी धरोहरों का निर्माण तो एक जागृत समाज ही कर सकता है। पत्थरों पर उकेरी गई ये जीवंत कलाकृति अपने आप में किसी ग्रंथ से कम नहीं लगती। पत्थरों को तराश कर इतिहास रचने वाला समाज, जिसको देखने और जानने समझने के लिए विदेशों तक से लोग आते हैं,
शायद मुझे भी यहीं कोई रास्ता मिल जाए। इसके लिए मुझे यहाँ के गांवों को देखना होगा। कलात्मकता तो तमिलनाडु के गांवों में दैनिक जीवन का अंग लगता है। गांव की महिलाएं किताब और स्लेटें लेकर जमा हो रही हैं। शायद पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ अक्षरों से शब्द बनाने की कोशिश हो रही है। अक्षरों से शब्द और फिर शब्दों से प्रकाश, साक्षरता से शिक्षा का सफर। एक उम्र के बाद अक्षर और शब्द तब तक मायने नहीं रखते जब तक उनका जुड़ाव व्यावहारिक जिंदगी से नहीं हो जाता। सीखने की भी दिलचस्पी नहीं रहती है। हाँ, शुरुआत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब अक्षरों से शब्द बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मुझे इन लोगों से बात करके हो सकता है अपने गांव के लिए भी कोई रास्ता मिल जाए। हमारे ग्रुप में तो जी 15 सदस्य हैं। महीने में हम लोग 25 रुपया जमा कर लेते हैं और साथ में 2 रुपया बोनस का। ऐसा साल भर से चल रहा है। अब तो जी हर सदस्य का 500 रुपए से ज्यादा हो गया है। हम उसको बैंक में डाल देते हैं और जिसको भी जरूरत पड़ती है उसे हम कम ब्याज में ऋण दे देते हैं। कांचीपुरम में आजकल साक्षरोत्तर कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 3 लाख लोग इसमें पढ़ रहे हैं। हमारा पहले का अनुभव ये रहा है कि सिर्फ साक्षरता कार्यक्रम अकेले सफल नहीं हो सकता अगर इसे बेहद सशक्तिकरण प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में साक्षरता कई में एक कारक है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि जिले में जो स्व सहायता समूह का आंदोलन चल रहा है उसे साक्षरता कार्यक्रम का आधार बनाया जाए। जिले में 2600 स्व सहायता समूह है और इससे लगभग 50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। ये सभी साक्षरता अभियान के अंग हैं, पढ़ने वालों के रूप में भी और प्रेरक के रूप में भी। तो इसका मतलब यहाँ पहले स्व सहायता समूह के रूप में महिलाओं को एकजुट किया गया और इस समूह को साक्षरता के प्रचार प्रसार का आधार बनाया गया। इस तरह व्यवहारिकता से जोड़ना संभवतः प्रौढ़ शिक्षा के लिए लाभकारी भी होता है। लोगों को आगे बढ़ने में शिक्षा का महत्व भी समझ में आता है। हो सकता है कांचीपुरम जिले के अयंगार कुलम की महिलाएं भी ऐसा ही कुछ समझ रही हैं। जो फातिमा ग्रुप है उसमें 15 सदस्य हैं। वो पारंपरिक रूप से चटाई बनाने का काम करते हैं। उनके काम को मदद करने के लिए हम लोग ऋण देने की सोच रहे हैं। मुझे फातिमा ग्रुप की महिलाओं से मिलना चाहिए। हो सकता है उनसे कुछ और जानकारी मिल जाए। वाह, कितने सधे हुए हाथ हैं। किस तरह एक एक सीख को गूंथ कर सुंदर सुंदर चटाइयां बना रही हैं। मेरे गांव में भी ऐसे बहुत से हैं जो अपने पारंपरिक कामों में ऐसे ही पारंगत हैं। वाकई कितना मुश्किल और कितने धैर्य का काम है। लेकिन इस तरह दिन भर में कितनी चटाइयां बुन लेती होंगी, कितनी आमदनी हो जाती होगी। अगर इतनी मेहनत के बाद भी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो तो क्या फायदा। फातिमा ग्रुप में हमारा जो चटाई बनाने वालों का ग्रुप है ना, हम लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किया है जो अब तक नहीं मिल पाया है। ऋण मिल जाए तो हम लोग एक मशीन लेने की सोच रहे हैं। उससे ना काम भी ज्यादा होगा और शायद अच्छा भी कर सकते हैं। उससे हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा।
जिससे हमारे परिवार की हालत अच्छी हो सकती है। अब तो जी दिन में सिर्फ हम 22 रुपया तक कमा पाते हैं, जो बहुत ही कम है। लोगों को उम्मीद रहती है कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वो उनके दैनिक जीवन में लाभ से जुड़ा हो। इसमें हम लोगों ने देखा कि कार्यक्रम की शुरुआत उनकी आर्थिक उन्नति के साथ हो, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि साक्षरता कार्यक्रम उनके आर्थिक उन्नति से जुड़ी व्यापक सशक्तिकरण की प्रक्रिया का एक अंग बने। मुझे तमिलनाडु में साक्षरता और स्वसहायता समूह के माध्यम से आए बदलाव के बारे में और अधिक जानने के लिए दूसरे गांवों में भी जाना चाहिए। मैंने 2500 रुपए अपने समूह से ऋण के रूप में लिए थे, उसके बाद ये काम शुरू किया। दिन भर में लगभग 100 रुपए आमदनी हो जाती है। घर के खर्च और ऋण की किश्त के बाद 20 रुपया बचा भी लेती हूँ। अब तो मैं अपनी लड़की को पढ़ा भी रही हूँ। मैंने कई और महिलाओं के साथ जुड़कर ऋण लिया था, उससे रस्सी बांटने का काम शुरू किया। अब हर महीने 200-300 रुपए अतिरिक्त कमा लेती हूँ। कल्लकुर्ची गांव की महिलाएं तो काफी सचेत हो चुकी हैं। लगता है ये सब अनौपचारिक शिक्षा का ही प्रभाव है। कठपुतली का खेल, सचमुच अनौपचारिक शिक्षा के लिए ये बहुत कारगर माध्यम है। खेल खेल के तमाशे में काम की बातें। यहाँ तो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। शायद कल्लकुर्ची की महिलाओं में जागरूकता का कारण यही है कि यहाँ सीखने और समझने का काम लगातार हो रहा है, तभी तो यहाँ की महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं। मैंने यहाँ की महिलाओं द्वारा दूध के व्यवसाय के बारे में भी सुना है। वैसे पशुपालन का काम तो मेरे गांव में भी होता है, लेकिन कल्लकुर्ची की महिलाएं तो इस काम में उदाहरण बन गई हैं। हाँ, शिक्षा से ही ये हो पाया है। अब यहाँ की महिलाएं अच्छी नस्ल की दुधारू गाय पालने का लाभ समझ चुकी हैं। इन्होंने एक समिति भी बनाई है, जिसके माध्यम से ये लोग सुचारू रूप से दूध का व्यवसाय करने लगी हैं। घर घर से दूध को एक जगह जमा करने से लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच करना, बाहर बाजार भेजने तक का काम और इन सब का हिसाब किताब महिलाओं की समिति ही करती है। यहाँ इतना कुछ कैसे हो पाया, मुझे पता करना चाहिए। यहाँ की महिलाओं ने बचत स्कीम से ऋण लेकर गाय पालने का काम शुरू किया। कुछ तो दूसरा छोटा मोटा व्यवसाय भी कर रही हैं। सब ने अपनी मेहनत से अब सारा कर्ज उतार दिया है और कुछ तो इतनी उत्साहित हैं कि अब और ऋण लेकर काम को बढ़ाना भी चाहती हैं। क्या कल्लकुर्ची गांव की महिलाओं की सफलता का प्रभाव दूसरे गांवों पर भी पड़ रहा है? मेरे पास तो जी करीब 20 लोग तक पढ़ने आते हैं, जो महीने के 20-20 रुपया जमा भी कर लेते हैं। स्वनिधि नाम से एक ग्रुप बनाया है। सबने निर्णय लिया है कि अपने हाथ का कोई काम जो वो लोग कर सकते हैं शुरू करें और इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह मेरे संपर्क में जितने भी नव साक्षर हैं, अपनी पहल कदमी से ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वसहायता समूह हो या साक्षरता कार्यक्रम, इस मिले जुले कार्यक्रम का ये प्रभाव है कि अब लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लगे। इससे इस तरह का सशक्तिकरण तो हुआ है। अब ये जरूरत है कि लोगों को काफी ईमानदारी के साथ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वो अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पा सकें। लेकिन कांचीपुरम में करघों से बुनाई का काम करने वालों को किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ घर घर में कांचीपुरम की प्रसिद्ध साड़ियाँ बुनने का काम होता है
और कम उम्र के इन किशोरों को पढ़ाई छोड़कर इस पारंपरिक काम में माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता है। क्या साक्षरता कार्यक्रम में इनके लिए भी कोई प्रयास हो रहा है? पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़ा और घर के काम की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। मैंने बुनाई का काम करना शुरू किया। रात्रि पाठशाला के कारण मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। मेरी अच्छी पढ़ाई के कारण ओपन स्कूल से 8वीं, उसके बाद 10वीं और अब मैं +2 कर रहा हूँ। घर के हालातों की वजह से अभी भी मैं रेगुलर स्कूल में नहीं जा पाया। डेली गणेश उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिनकी पढ़ाई किन्हीं कारणों से बीच में छूट गई। साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से वे पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये है रात्रि पाठशाला, मूनलाइट स्कूल। अच्छा प्रतीकात्मक नाम है, चांद की रोशनी यानी नीला प्रकाश। तो यहाँ साक्षर बन चुके या थोड़ी पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ चुके लोगों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आम तौर पर किशोर वय में काम का बोझ जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोग स्कूल छोड़ देते हैं। बाद में उनकी स्थिति भी धीरे धीरे निरक्षरों जैसी हो जाती है, सीखा हुआ भूल जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को काम के बाद पढ़ने सीखने का ऐसा मौका मिले तो पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। वैसे कांचीपुरम में शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था रही है जो कांचीपुरम पीठ के नाम से विख्यात है। शायद ये उसी परंपरा की प्रेरणा हो। मुझे यह कुछ और विस्तार से जानना चाहिए। प्राथमिक पढ़ाई के बाद पहले हम 5वीं वर्ग की परीक्षा दिलाते हैं। उसमें अगर मेहनत करके वे पास कर जाएं, तो उन्हें फिर हम 8वीं की तैयारी करवाते हैं। हम लोग 1.5 घंटा प्रतिदिन ध्यान देकर पढ़ाते हैं, फिर 8वीं की परीक्षा दिलाते हैं। इस साल हम लोग 100 लोगों को परीक्षा दिलाएंगे। इस तरह इस मूनलाइट स्कूल में पढ़े हुए 35 लोग 10वीं की परीक्षा में भी बैठने वाले हैं। प्राथमिक पढ़ने के बाद अब मैं मूनलाइट स्कूल में पढ़कर 8वीं की परीक्षा देना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से पढ़कर 8वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। मेरी इच्छा है कि पढ़ने के बाद मैं पुलिस में नौकरी करूँ। छूट गया अवसर जब फिर से मिल जाता है तो टूटे हुए सपने भी जुड़ने लगते हैं। मूनलाइट स्कूल में अपनी पढ़ाई फिर से जारी करके ऐसे कई लोग हैं जो दोबारा औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। जब ऐसा मौका मिलता है ना, तो लगन भी ज्यादा होती है और परिणाम भी अच्छे आते हैं। अयंगार कुलम के मुरली के बारे में भी ऐसा ही कुछ सुना है। 8वीं कक्षा के बाद मैंने मूनलाइट स्कूल में पढ़कर 10वीं की परीक्षा दी। उसमें 500 में से 334 अंक प्राप्त किए। उस कारण मैं इस समय पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला ले पाया हूँ। इसके लिए मैं मूनलाइट स्कूल का आभारी हूँ। सचमुच ये तो अपने आप में साक्षरता कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें एक तो वैसे लोगों को फिर से पढ़ने का अवसर मिल रहा है जो परिवार की समस्याओं के कारण औपचारिक शिक्षा में आगे नहीं जा पाए और पढ़ाई छोड़ दी। दूसरा, रात में 1.5-2 घंटे की पढ़ाई से उनके काम या रोजगार पर भी कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे विशेष बात तो ये है कि कुछ आगे पढ़ने के बाद पढ़ाई के प्रति जो चाह पैदा होती है उससे कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं।
हम लोग घर बार बेच कर यहाँ आ गए क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं था। घर में बहुत तकलीफ थी, इस वजह से हमें बुनाई के काम में डाल दिया गया। घर के लोग हमें पढ़ा नहीं सकते थे। 4 साल बाद हमें मूनलाइट स्कूल का पता चला। अब हम वहाँ पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। यहाँ के मूनलाइट स्कूल के शिक्षकों ने हमें बहुत प्रेरित किया। अच्छी शिक्षा मिली हमें। पिछले साल हमने 10वीं की परीक्षा दी और जितना भी हो सका हम अच्छे नंबर लाए। रिजल्ट के पहले ही मुझे कंप्यूटर कोर्स का प्रस्ताव मिला। हमने 1 महीना उसमें पढ़ाई भी की। मूनलाइट स्कूल के साथ साथ वहाँ भी हमने 1 महीना पढ़कर कंप्यूटर कोर्स पास किया और अब सोच रहे हैं कि +2 भी हम पढ़ लें। और ये सब इसीलिए हो पाया कि हमें मूनलाइट स्कूल से काफी प्यार और प्रेरणा मिली। और अब तो मेरी इच्छा है कि मैं अकाउंटेंट बनूं और साथ ही मूनलाइट स्कूल में भी पढ़ाऊं। विजयलक्ष्मी और गोमती की उपलब्धियां अपने आप में काफी प्रेरक हैं। छूट गए लोगों को साथ लाने के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं। लेकिन क्या मेरे गांव की परिस्थितियां ऐसी ही हैं? शायद अलग हैं। इसीलिए तो लगता है कि मेरी परिक्रमा अभी पूरी नहीं हुई।